मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5.20। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट फॉर द क्वांटिटी ऑफ पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एन। इसकी हमें एसआई यूनिट बतानी है। एसआई यूनिट और पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एन क्या होगी? पहले हम लोग इन सब की एक एक करके अलग अलग एसआई यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे और बाद में इसको फुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाने वाला है। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? देखिए, हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की यूनिट होती है एसआई यूनिट न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट। अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम तो ये हो जाएगी मीटर क्यूब। अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर देन इट विल बी केल्विन। एंड हम लोग बात करें अगर एसआई यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स देन इट विल बी मोल। इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एस आई यूनिट ऑफ पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एन क्या हो जाएगी, पी क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2, वॉल्यूम की क्या हो जाएगी मीटर क्यूब, और पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, टेम्परेचर केल्विन और पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन एन की क्या हो जाएगी मोल, राइट। ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2, ये 2 3 6 हो जाएगा, मीटर की पावर 6 हो जाएगा, केल्विन की पावर 2 और मोल हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 6 और प्लस -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 हो जाएगा, यानी न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4, केल्विन की पावर 2, मोल ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1, यानी मोल इनवर्स। ये हो जाएगी एसआई यूनिट ऑफ पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एन, राइट। होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।